लोकसभा निर्वाचन 2024 में लोगों को शत प्रतिशत मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने तथा मतदान करवाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान की अगली कड़ी में भिलाई नगर निगम सीमा क्षेत्र के विधानसभा क्रमांक 65 भिलाई नगर के 16 स्थानों में नवविवाहिता वधु, युवा मतदाता एवं वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। विधानसभा 65 भिलाई नगर के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं डिप्टी कलेक्टर योगिता देवांगन, भिलाई नगर के तहसीलदार पंच भाई गुरुदत्त ने वरिष्ठ नागरिकों नवविवाहिता वधु का तिलक लगाकर सम्मान किया एवं साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में स्वयं के मतदान के साथ लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देश पर मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न आयोजन किया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत वाहन रैली निकालकर स्वीप का आकार देकर एक मतदाता जागरूकता पूरे शहर में दोनों विधानसभा क्षेत्र में चलाया गया था। दूसरी कड़ी में मैडम सहायक रिटर्निंग ऑफिसर जो है योगिता देवांगन मैडम, डिप्टी कलेक्टर भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र विधानसभा क्रमांक 65 के, तो उनके निर्देश पर नव वधु एवं युवा मतदाता तथा वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान करने का आयोजन किया गया है। 16 स्थानों पर भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के 16 स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत लोगों को सम्मानित करके गुलाल टीका लगाकर उनको सम्मान करके ये प्रेरित किया जा रहा है कि आप स्वयं मतदान करेंगे और साथ में अपने आस पड़ोस के लोगों को भी मतदान करने के लिए जागरूक करेंगे, इस उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान में लोगों की भागीदारी लगातार देखने को मिल रही है। देखना ये होगा कि जिस तरह जागरूकता अभियान में लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, क्या वैसे ही लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर शत प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ACN News के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।